रात में सोने से पहले आंवला तेल में मिलाकर लगा लो। बस ये चीज कुछ ही समय में कमर के नीचे तक लंबे हो जाएंगे बाल। जी हाँ दोस्तों, बालों की देखरेख में अक्सर ही तेल का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। तेल बालों को अंदर से ही नहीं बल्कि बाहर से भी पोषण देने का काम करते हैं। अगर आपके बाल जरूरत से ज़्यादा टूट रहे हैं और सिर पर बालों की जगह स्कैल्प साफ साफ नजर आना शुरू हो गई है, तो आज मैं आपको एक ऐसा हेयर ऑयल बनाना बताऊंगी जो बालों को लंबा और घना बनाने में मदद करते हैं, बालों को झड़ने से रोकेगा और हेयर ग्रोथ को तेज करेगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपके बाल उम्र से पहले सफेद होने शुरू हो गए हैं, तो इससे आपकी ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी, क्योंकि ये तेल बालों को दोबारा से काला करने में बहुत ही तेजी से मदद करता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, कितनी क्वांटिटी में क्या चीजें ऐड करनी है और कैसे आपको इसका प्रयोग अपने बालों पर करना है। तो दोस्तों चलिए फटाफट से इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको लेना है आंवले का तेल। तो आप यहाँ पर कोई भी ब्रांड का आंवले का तेल ले सकते हैं। मैंने डाबर का लिया है, आप चाहे तो डाबर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई और ब्रांड भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। डाबर आंवला दोस्तों आप जानते ही हैं कि हमारे बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और आप यहाँ पर चाहें तो आप जो 10 रुपये वाली छोटी इस तरह की बोतल आती है, आप यहाँ पर वो भी यूज़ कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोगों के घरों में आपने देखा होगा पहले से ही आंवले का तेल यूज किया जाता है, क्योंकि काफी घरों में इसका इस्तेमाल बहुत अधिक किया जाता है। तो दोस्तों आपको इसमें क्या चीजें ऐड करनी है जिससे आपको अपने बालों पर बहुत ही तेजी से रिजल्ट देखने को मिलेंगे, तो वीडियो में आपको आगे बताने वाली हूँ। तो दोस्तों आंवला जो होता है ये विटामिन सी से भरपूर होता है। आंवला हमारे बालों को भरपूर पोषण देता है। इस तेल से कोलेजन प्रोटीन बनता है जो बालों की ग्रोथ में मदद करते हैं। इसके अलावा हेयर फॉलिकल्स को पोषण देने में इस तेल का अच्छा असर देखने को मिलता है। आंवले का तेल एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल और डैंड्रफ दूर करने वाले गुणों से भरपूर होता है। बालों का झड़ना रोकता है, पतले कमजोर बालों को मोटा घना बनाता है। इस तेल से बालों को दोबारा से काला करने में मदद मिलती है। कई तरह के फैटी एसिड से भरपूर होने की वजह से आंवले का तेल बालों की वृद्धि में तेजी से मदद करता है। दोस्तों आंवला तेल के फायदे के बारे में तो आप जान ही चुके हैं, तो चलिए जानते हैं अब आपको इस ऑयल को कैसे तैयार करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कोई भी एक बर्तन ले लेना है, कटोरी या बर्तन, कोई भी चीज आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्वांटिटी का यहाँ पर आपको पूरा ध्यान देना है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अच्छे से ही देखना है किस तरीके से इसका प्रयोग आपको अपने बालों पर करना है, तभी आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पर एक चम्मच ले लेनी है और चम्मच की मदद से आपको यहाँ पर 2 चम्मच आंवले का तेल इस कटोरी में आपको ऐड कर लेना है। क्वांटिटी आपको यहाँ पर पूरा ध्यान देना है, कोई भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में या बहुत ही कम मात्रा में ऐड नहीं करनी है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर 2 चम्मच आंवले का तेल ले लेना है। और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक विटामिन ई का कैप्सूल लेना है। मैंने यहाँ पर 400 mg का इवियन कैप्सूल लिया है, यह आपको केमिस्ट की दुकान पर बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। बालों के लिए विटामिन ई काफ़ी फायदेमंद है। झड़ते बालों पर अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी बालों का झड़ना रोकेगा। साथ ही बालों को तेजी से बढ़ाना है तो विटामिन ई कैप्सूल बालों को तेजी से बढ़ाने में मदद करता है। बाल मजबूत होते हैं, बालों में थिकनेस आएगी, इससे बालों को डैमेज होने से प्रोटेक्शन मिलता है। हेयर ग्रोथ तेज होती है, बालों का टेक्सचर सुधरता है और बाल मजबूत, घने और लंबे बनते हैं। तो आपको सिर्फ एक कैप्सूल आपको यहाँ पर कट कर लेना है और उसका जितना भी ऑयल है सारा ऑयल निकाल कर आपको इस कटोरी में ऐड कर देना है और दोनों ही चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर लेना है दोस्तों एलोवेरा जेल। तो मैंने यहाँ पर मार्केट वाला एलोवेरा जेल लिया है। आप दोस्तों यहाँ पर अगर आपके पास प्लांट वाला एलोवेरा जेल है तो आप यहाँ पर वो भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो मार्केट वाला ये वाला जेल जो होता है इसे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हमारी स्किन और हमारे बाल दोनों के लिए एलोवेरा जेल बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि एलोवेरा में विटामिन और खनिजों की मात्रा पाई जाती है जो
जो बालों को टूटने से बचने, मजबूती बढ़ाने और हेयर ग्रोथ प्रमोट करने में फ़ायदेमंद है। एलोवेरा जेल स्कैल्प को सूथिंग इफेक्ट देता है, स्कैल्प से डैंड्रफ दूर करता है और सिर की खुजली से भी राहत मिलती है। एलोवेरा में विटामिन ई और B12 पाया जाता है जो बालों को बढ़ाने का काम करते हैं, साथ ही आपके बालों को बहुत ही शाइन और चमकदार भी बनाते हैं। तो इस तरीके से आपको इसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करना है। सारी चीज़ों की मैंने यहाँ पर क्वांटिटी बताई है, इतनी ही क्वांटिटी में आपको सारी चीज़ों को ऐड करना है। और अब आपको यहाँ पर इसको अच्छे से बढ़िया से मिक्स कर लेना है। जब आप इसे मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद ये थोड़ा सा गाढ़ा होने लगेगा, तो आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कुछ इस तरीके से हो चुका है। तो इस तरीके से आपको इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद दोस्तों अब आपका ये जो हेयर ऑयल है ये बिल्कुल आपका बन चुका है, बस आपको इसे मिक्स करना है। तो अब आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट करके ये बताइए आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ कहाँ से वॉच कर रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चल सके मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो चलिए ऑयल तो हमने यहाँ पर बना लिया है, अब हम जानते हैं कि इस ऑयल का प्रयोग आपको अपने बालों पर किस तरीके से करना है जिससे आपको बहुत ही फास्ट रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों आपको रात को सोने से पहले इस तेल का इस्तेमाल अपने बालों पर करना है। इसे आपको अपने बालों की जड़ों पर लगाना है, हल्के हाथों से कम 10 मिनट आपको मसाज करनी है, बालों की पूरी लेंथ पर आपको इस तेल का इस्तेमाल करना है, और इसके बाद आपको अपने बालों पर कॉम करना है या फिर चोटी या फिर बन बनाकर आपको सो जाना है। नेक्स्ट सुबह होकर आपको अपने बालों को किसी भी माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको इसका प्रयोग अपने बालों पर हफ्ते में 3 बार करना है, और इस तेल का इस प्रयोग आप लगातार कर सकते हैं। साथ ही आप अगर अपने बच्चों को भी इस तेल का यूज़ कराना चाहते हैं तो उन्हें भी यूज़ करा सकते हैं, उनके भी बालों की प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से दूर हो जाएगी। और दोस्तों 1 हफ्ते आप इस तेल को यूज़ करके देखिएगा, 1 हफ्ते में ही आप देखेंगे कि आपके बालों की काया पलट जाएगी, आपके बालों का झड़ना पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, बाल आपके मोटे होने लगेंगे, बालों की जड़ें मजबूत हो जाएंगी, बालों में कालापन आएगा, बाल आपके तेजी से बढ़ने लगेंगे। तो इस ऑयल को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान रेमेडी है और बिना पैसे खर्च किए आप अपने बालों की इतनी सारी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो इसे ट्राई करना तो बनता है, और ट्राई करने के बाद इसे अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इससे कितने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी।